अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का। आज आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल सैलेड, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही आसान है बनाना। इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 अदद प्याज़, 1 अदद टोमेटो, 2 अदद लीमन, 3 अदद सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी धनिया। और इसमें जो जो मसाले हम ऐड करेंगे वो भी आपको चेक करवा देते हैं। 1 टेबलस्पून लेना है हमने ज़ीरा, 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून ब्लैक पाउडर। और चने हमने पहले से ही उबाल के रख लिए हैं, 1 कप चने हमने उबाल के रख लिए हैं। साथ 3 अदद आलू हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अभी कटिंग का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है अच्छे तरीके से। सब मिर्च भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। धनिया भी हमने बारीक बारीक काट ली है। फिर इसके बाद पुदीने को भी हम काट लेंगे। सारी चीज़ें हमने बारीक बारीक काट के रेडी कर लेनी है, ठीक है। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना और आखिर में आलू। अभी हमने एक बड़ा सा बाउल लेना है और उस बाउल में जो हमने सारी चीज़ें काट के रखी हुई हैं उन सबको मिक्स कर देना है। हमने प्याज और टमाटर पहले से डाल दिए हैं इसमें, ठीक है। सब्ज़ मिर्च भी डाल दी है। अभी हम इसमें धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद अभी हमने इसमें चने ऐड करेंगे जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, ठीक है। आपने चने इसमें ऐड कर देने। चने डालने के बाद अभी जो आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे काट के, अभी वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। चाट मसाला 1 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून और काली मिर्च 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे और इसको फिर अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अभी 2 अदद जो हमने लीमन लिए थे उनका भी रस निकाल लेंगे। अभी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह, जब देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी सैलेड तैयार हुई है।
और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगी और आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है घर में, आप ये सैलेड बना के ख़ुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराएं, इंशाल्लाह आपको ये सैलेड बहुत पसंद आएगी। हमारी वेजिटेबल सैलेड बिल्कुल रेडी है, अगर आप चाहें तो इसमें दही वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ना चाहें तो आप ऐसे भी सैलेड, वेजिटेबल सैलेड दही के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दही ऐड कर रहा हूँ क्योंकि दही से ज़रा और टेस्टी हो जाएगा हमारा सैलेड। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल सैलेड जी माशाल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी है, उम्मीद है आज की हमारी रेसिपी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। और अगर अब आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि और नई नई वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।